हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जायरोस्कोप की कि आखिर ये क्या चीज़ होता है, ये काम कैसे करता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब रिजिडिटी और प्रिसीजन क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब अगर बात की जाए जायरोस्कोप की तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है। आपने बचपन में लट्टू जरूर देखा होगा, उसे घूमते हुए भी देखा होगा, वही डिवाइस होता है जायरोस्कोप। ठीक, वो पूरा का पूरा जायरोस्कोप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर किसी एक्सिस में एक मेटल की व्हील घूम सकती है, अगर आप किसी डंडे में एक व्हील एक रोटर लगाकर घुमा सकते हैं, तो उस डिवाइस को आप सिंपली कह सकते हैं कि ये एक जायरोस्कोप है और वो जायरोस्कोप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि जायरोस्कोप क्या चीज होता है। ठीक, अब हम इसे यूज क्यों करते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है जायरोस्कोपिक इनर्शिया, या फिर इसी को रिजिडिटी नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है प्रिसीजन। अब हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये दो प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक, तो अब वन बाई वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जायरोस्कोपिक इनर्शिया या रिजिडिटी क्या चीज होती है। ठीक, तो इसके लिए आप फिर से उसी बचपन वाले लट्टू को याद करिए। आप जब कभी भी उस लट्टू को घुमाने के लिए ले करके जाते थे, मतलब अभी वो मोशन में नहीं है और आप उसे जमीन पर खड़ा करते थे, तो क्या होता, वो गिर जाता था। जैसे ही आप उसको उठाते थे फिर से गिर जाता था। बट अगर आप उसको बहुत तेज मोशन करें और उसके बाद जमीन पर छोड़ दें किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो क्या होगा, वो अपने एक्सिस पर घूमता रहेगा। ठीक, मतलब वो अब नहीं गिर रहा है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी, मतलब वो अपने एक्सिस को मेंटेन कर सकता है। ठीक, अब और ज्यादा समझने के लिए आप एक काम करिए, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को थोड़ा इंक्लाइंड कर दीजिए। इंक्लाइंड करने का मतलब थोड़ा झुका दीजिए। अब इस सरफेस पर भी अगर आप लट्टू को नचा सकते हैं, तो वहां पर भी ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जायरोस्कोपिक इनर्शिया या रिजिडिटी, जो एक जायरोस्कोप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रिजिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी मूविंग बॉडी का जो रोटेट कर रही है, वो अपने प्लेन ऑफ रोटेशन को चेंज से रेजिस्ट करती है, मतलब चेंज नहीं होने देती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी। अब बात करते हैं प्रिसीजन क्या होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी जायरोस्कोप डिवाइस का। प्रिसीजन को समझने के लिए आप कंसीडर करिए कि आपके पास एक एक्सिस है और उसमें एक व्हील रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि अगर आप उस रोटेटिंग डिस्क पर कहीं पर फोर्स लगाएंगे ताकि उसका प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगा, अपने प्लेन को चेंज नहीं होने देगा। अब अगर आप कोशिश करते हैं फोर्स लगा करके कि उसको चेंज कर दिया जाए, तो वो फोर्स जहां आप लगा रहे हैं वहां एक्ट ना करके बल्कि 90 डिग्री डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां नहीं बल्कि 90 डिग्री अवे लगता है, उसको कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो डिस्क दिख रही है, अगर इस ये स्टेशनरी है मतलब नहीं घूम रही है, तो आप इस पे ऊपर एक फोर्स लगाइए तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड यानी वर्टिकल डायरेक्शन में झुक जाएगा। बट अगर ये मूव कर रहा है मतलब रोटेट कर रहा है और आपने इस पे इसी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ना घूम करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम जाएगा। मतलब कहने का ये कि जहां पर आपने फोर्स लगाया वहां पर फोर्स एक्ट ना करके डायरेक्शन ऑफ मोशन में 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। ठीक, इस फोर्स को कहा जाता है प्रिसीजनल फोर्स और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रिसीजन। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल जायरोस्कोप देखा कि एक सिंपल जायरोस्कोप की प्रिसीजन और रिजिडिटी क्या होती है, कैसे वर्क करता है। ठीक, बट जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स जायरोस्कोप्स होते हैं, वो इतने आसान नहीं होते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब कि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पहला स्पिनिंग एक्सिस, मतलब जिसमें ये व्हील रोटेट कर रहा है, दूसरा होता है टिल्टिंग एक्सिस जो इस स्पिनिंग एक्सिस के 90 डिग्री पर होता है, और तीसरा होता है वियरिंग एक्सिस जो इन दोनों ही एक्सिस के 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि प्रिसीजन क्या होता है, रिजिडिटी क्या होती है, एक सिंपल जायरोस्कोप क्या चीज़ होता है। खैर, अगर बात करें कि इसको इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में बात कर लेंगे कि आखिर ये क्या क्या चीज़ होती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।